ये अचानक बेहोश हो गए, तब से इनकी ये हालत है। तू मुझे रोकेगा पुजारी? तू रोकेगा पुजारी मुझे? क्या सोच रहा पुजारी? नहीं छोड़ूंगी। धागा इसे नियंत्रित रखेगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। दादी, ये कैसी शैतानी शक्ति है? क्या मैं तैयार भी हूँ इसका सामना करने के लिए? ये शक्ति औरों से अलग है। ये अपनी इच्छा अनुसार किसी के भी शरीर में प्रवेश करके उसे अपने वश में कर सकती है। ये उस सोने की मूरत में बंद थी जो उस लालची आदमी ने आजाद कर दिया। इन शक्तियों को रोकने के लिए किसी कलश, किताब या मूर्ति में बंद किया जाता है। तूने इस डर को काबू कर लिया तो तू विवेक के एक कदम और पास होगी। सिद्धि, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे घर को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बट आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई कैन प्रॉमिस दिस टू यू एनी टाइम। I will never leave you alone. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कहाँ खो गई? ये सपने देखना बंद कर और आगे बढ़। ये लाल धागा इनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर ये धागा निकल गया तो ये किसी को भी अपने वश में कर सकती है। हम कल सुबह के पहले पहर में ही इसका नियोजन करेंगे, क्योंकि उस वक्त ये शक्ति बहुत कमजोर होती है। पर पुजारी जी, ये शक्ति है क्या और कहां से आई है? ये कोई प्राचीन काली शक्ति लगती है जिसे किसी खास मूर्ति से आजाद किया गया है। जैसे जैसे ये शरीर बदलेगी, ये और भी अधिक ताकतवर होती जाएगी। ये किसी खास उद्देश्य से यहां आई है। आमतौर पर ऐसी शक्तियां इस मंदिर से दूर भागती है। किसी का इंतजार है इसे, कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ तो सभी जगह तो यही देखी थी मैंने, पर विवेक कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना होगा। विवेक, विवेक, विवेक नहीं मिलेगा। तो खो गया, खो गया। तुम्हारा नाम क्या है? छोड़ो मुझे, कोई नाम है तो उस नहीं है। छोड़ो, शैतान बते है, शैतान। कहाँ है वो लड़की? वो तो चली गई पुजारी जी। उसे मंदिर से दूर रखना होगा। मुझे लगता है वो कुछ करने वाली है। वो कोई आम लड़की नहीं है पुजारी जी।
क्या इसका यहाँ होना उस मूर्ति वाले से जुड़ा हुआ है? उद्देश्य से यहाँ आई है। शैतानी ताकत जरूर उसे रोकने की कोशिश करेगी। वो नादान तो ये भी नहीं जानती कि उसका किससे पाला पड़ा है। मुझे डर है कहीं उसके साथ नहीं नहीं हमें उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। यही तो मिला था, कहाँ होगा? पुजारी जी, मेरे पति का क्या होगा? चिंता मत कीजिए पुजारी जी, कल सुबह आपके पति के शुद्धिकरण करेंगे। हनुमान जी ने चाहा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब वो यही है, वही मुझे विवेक के बारे में बताएगा। डरना नहीं है दादी की बात, याद रखना सिद्धि, डर मत सिद्धि, आगे बढ़, हिम्मत कर। हो सकता है मैं तुम्हारे काम ना आ सकूं, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से प्रयास जरूर करूंगा। उससे पहले मुझे मंदिर को सुरक्षित करना होगा, उसका शुद्धिकरण करना होगा। मुझे जाना होगा। पति को बचा लो। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। मेरे पति भी ऐसी ही एक काली शक्ति का शिकार हो गए हैं। आप जरा देखिए ना पुजारी जी को जाकर, बहुत समय हो गया है वो आए नहीं अब तक, और अभी वो डरावनी आवाजें भी आना बंद हो गई है। शायद उन्होंने इस शक्ति को काबू कर लिया है। सिद्धि, सिद्धि आ जाओ। ये पुजारी जी की आवाज है ना, शायद वो हमें बुला रहे हैं। चलिए। अभी के लिए बला टली, आपके पति सुरक्षित है। पुजारी के भरोसे बैठे थे ना, अभी अभी मेरे हाथ लग गया है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। पुजारी जी।
आए दिन कोई ना कोई गायब हो रहा है, पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे माहौल में अपने परिवार अपने बच्चों को आखिर कैसे जीने दे सकते हम लोग? तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरा होने वाला बच्चा ऐसे डर के साए में पैदा नहीं होगा। तो क्या करेंगे जोगी भाई, लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। और एक बात और जोगी भाई, लड़ाई इंसानों से लड़ी जाती है, शैतानों से नहीं। और हाँ, हम लोगों ने सुना है ये जो शैतान है समुंदर के अंदर से आता है। जोगी भाई, हमने सुना है सर। यही तो समस्या है। क्या सबने सुना है? आज तक किसी ने वहां जाकर देखने की या पता करने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले की और देर हो जाए, हम सब लोग साथ मिलकर चलते समुद्र किनारे और पता करते कि आखिर असलियत है क्या। ठीक है, तुम सब लोग आराम से यहाँ बैठकर आग में हाथ सेको, लेकिन मेरा होने वाला बच्चा ऐसे डर के साए में पैदा नहीं होगा। अब अकेला ही जाऊंगा मैं, लेकिन जाऊंगा जरूर। रुकिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, अकेले मत जाइए। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे दीप्ति बेटा, कहाँ जा रही थी हाल में? और योगी कहाँ है? काका उन्हें ढूंढ रही हूँ, कल रात समुद्र के पास गए थे, वापस ही नहीं आए हैं। तुम घर जाओ, मैं पता करता हूँ। काका, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्हें नहीं देखा यहाँ पर। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? अब ठीक है? एक और क्या है? यहाँ पर आइए। बैठिए। आप ऐसी हालत में ऐसे बाहर अकेले कैसे निकल सकते हैं? आपको कोई हेल्प की जरूरत है? नहीं, शुक्रिया। मेरे पति आते होंगे। कल रात समुद्र के पास गए, अभी तक वापस नहीं आए। दीदी, आराम से। ये क्या हो गया आपको? दीदी, संभाल अपने आप को। अरे बेटा, कहाँ तो तू रात भर? क्या हुआ तेरे पैर में? क्या हो गया? काका, समुंदर किनारे बहुत बड़ा शैतान और अचानक पता नहीं कहाँ से आया दादा। वो तो सूर्य नारायण की कृपा है कि मैं बच गया। लगता है ये वही शैतान है जिसके बारे में दादी ने बताया था। अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ भी करके उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं ये तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें इस कार्य के लिए खास चुना गया है? इनको हमारे गांव में कभी नहीं देखा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी बहन जैसी हैं। आपके पति को ढूंढने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अरे रोना बंद कर, आपको जहां जाना है जाइए, लेकिन हमसे वादा कीजिए आप उस बलू समुद्र में वापस कभी नहीं जाएंगे। अरे हम लोग मछुआरे हैं, अगर समुद्र में नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? वो सब हमें नहीं पता। आपको कुछ हो जाता तो हमारे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। अच्छा बाबा, तू जैसा कहेगी वैसा करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों मेरी बात ही सुनी तुमने? क्यों उस बलू से कहां पे गए? सब कुछ खत्म हो गया, वापस आ जाओ, मेरा कोई नहीं है। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से मेरा घर उजड़ा है। तू कभी खुश नहीं रहेगी, तेरा भी घर उजड़ेगा, तेरी भी जिंदगी बर्बाद होगी। चल नहीं जा मेरे सामने से, मुझे चेहरा भी नहीं देखना। ए कलबुई,
किस्मत के फैसलों के लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ सिद्धि। मुझे पता था जब वो शैतान जोगी भाई को देखेगा तो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, सब मेरी वजह से हुआ है। तो क्या कर सकती थी? उससे ज्यादा जरूरी ये है सिद्धि कि तुम क्या कर सकती हो। तुम जोगी को दिया हुआ वादा पूरा कर सकती हो, उसके होने वाले बच्चे को बचा सकती हो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शैतान आज रात को ही उसके बच्चे को मारने पास जाएगा। दादी, वो शैतान जोगी के बच्चे को क्यों मारेगा? क्योंकि उस बच्चे में भी जोगी का ही खून है। वो शैतान जोगी की पूरी नस्ल को खत्म कर देगा। तुम्हें हर हाल में उस बच्चे को बचाना होगा। उस बच्चे को नया जीवन देकर ही तुम विवेक की जान बचा पाओगी मेरी बच्ची। आप मेरी बहन जैसी हैं। आपके पति को ढूंढने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तुम मुझसे वादा करो बाइरी और मेरे बच्चे को शैतान से बचा लो। आजूगी मैं वादा करती हूँ, मैं भाभी और आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तेरी वजह से मेरा घर उजड़ा है, कभी खुश नहीं रहेगी। तेरा भी घर उजड़ेगा, तेरी बेइज्जती की बर्बाद होगी। तुम जोगी को दिया हुआ वादा पूरा कर सकती हो, उसके होने वाले बच्चे को बचा सकती हो सिद्धि, उसे बचा सकती हो। परदादी एक समुद्री शैतान के किस्से सुनाया करती थी। कोई भयानक राक्षस था जिसने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी। तब एक सिद्ध महिला ने अपनी तंत्र विद्या की शक्तियों से उसका नाश कर दिया। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी थी कि अगर कभी किसी बुरी शक्ति ने उसको जगाया तो वो फिर लौटेगा। काका, अब अगर जब वो लौट गया है तो उसे खत्म करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ना? पता नहीं बेटा, मैं तो बस अपनी परदादी की कहानियां सुना सकता हूँ। उस सिद्ध महिला ने उस वक्त गांव के लोगों से कहा था कि समुद्र के शैतान को खत्म करने का रहस्य समुद्र के पेट में ही है, और ये रहस्य उसी व्यक्ति पर खुलेगा जिसे खुद भाग्य ने इस कार्य के लिए चुना होगा। तो काका, क्या आपको रहस्य पता है? मतलब आपकी दादी ने कभी कुछ कहा होगा, आपको कुछ याद है? दीप्ति भाभी, आप आज यही रुक जाइए, आप काका के साथ ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन आप, मेरा वचन निभाने का समय आ गया है। लेकिन अब ये वचन मेरा पूरे गांव से है कि उन सबको समुंदर के शैतान से मुक्ति दिलाऊंगी। भाभी, अब बाहर मत निकलना। हाँ, लेकिन आप क्यों हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली सिद्धि बहन? क्योंकि मेरी विवेक की जान आप सब लोगों से जुड़ी है। हे महादेव, मैं यहां तक तो पहुंच गई, मगर विवेक
कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी और परीक्षा मत लीजिए, मुझे विवेक तक पहुँचने का कोई तो रास्ता दीजिए, कोई तो इशारा दिखाइए महादेव। अब छाती पीटने से क्या होगा प्रकाश बाबू, पैदा होते ही उसका गला घोंट देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। जब इस गांव की छोरी शादी का जोड़ा पहनने का साहस करेगी तो उसकी डोली उठने से पहले उसकी अर्थी उठ जाती है। आत्माओं के श्राप से कोई भी इस गांव में नहीं बचा है, इस गांव की सभी छोरियां श्रापित हैं। अब वो क्यों है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता। मतलब वो बेचारे भी श्राप की वजह से, कहीं वो मुझे जानबूझकर इस गांव तो नहीं लाना चाहती थी ताकि मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। हमने तो रामचरण और मालती को चेतावनी दी थी, लेकिन वो तो अपने मन की करते हैं, तय कराए है अपनी छोरी का रिश्ता, अब भुगतो। तो अब क्या करे ताऊ जी, अरे कोई तो रास्ता होगा, अरे कोई तो होगा जो हमारी बिटिया की मदद कर सके। मैं आपकी मदद करूंगी, इस श्राप का कौन जिम्मेदार है ये तो नहीं जानती मैं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इन बुरी शक्तियों को सिर्फ अच्छाई की ताकत ही मिटा सकती है, और ऐसी बुरी शक्तियों से मैं पहले भी लड़ चुकी हूँ। क्या अनाप शनाप बक रही है, और तू है कौन? ताई जी मेरा नाम सिद्धि है, बस इतना समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पर आपकी मदद के लिए भेजा गया है। नहीं चाहिए तेरी मदद, तेरे कारण अगर आत्माएं क्रोधित हो गई ना तो गांव के छोरों को भी श्राप दे देंगी। लेकिन इसी डर से इतने सालों से इस गांव की लड़कियों की बलि चढ़ती चली गई है, क्या आप लोगों में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इस गांव की लड़कियों को बचा सकती हूँ। बेटा आप हमारे गांव के लिए उम्मीद बनकर आई हो, अब आप ही का सहारा बचा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, एक अनजान लड़की की बातों का भरोसा करते हो? तो और क्या करे ताऊ जी, अरे कुछ ही दिनों में हमारी बिटिया की शादी है। जो प्रकाश बाबू की बिटिया के साथ हुआ वो हमारी गौरी के साथ नहीं होना चाहिए, हमको लगता है सिद्धि जी की मदद हमको लेनी चाहिए। लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी छोरी को गांव के श्राप से बचाना असंभव है। असंभव को संभव करने का आशीर्वाद दे।
संजय, तुम्हारा कवच है और यही तुम्हारी जीवन रेखा है। अगर ये खंजर किसी गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है बाबा, मुझे बताइए मैं अघोरियों के कहर से इस गांव को कैसी मुक्ति दिलाऊं? मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों से गिरकर मरने से बचाया, मेरा कार्य समाप्त हुआ, आगे की लड़ाई तुम्हारी है। लेकिन बाबा, मैं बिना किसी ज्ञान के ये लड़ाई कैसे लड़ूं? मुझे तो ये तक नहीं पता कि अघोरियों ने इस गांव को श्रापित क्यों किया है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ तो बताइए। सदियों पहले अघोरियों का एक बड़ा झुंड गांव से गुजर रहा था। गांव में शादी की तैयारियां चल रही थी। हमारे प्रमुख की नजर उस दुल्हन पर पड़ी और उसके एक इशारे पर सारे अघोरियों ने उस लड़की को अगवा कर लिया। मैंने तब भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब हवस की पट्टी आंखों पर बंध जाती है तो विनाश की ओर ही धकेलती है। जब गांव वालों को पता लगा तो उन्होंने सारे अघोरियों को जिंदा जला दिया। गोरे! दादी! गोरी! गोरी बिल्कुल ठीक है सिद्धी, ठीक ही नहीं, बहुत खुश है। उसकी शादी बहुत धूमधाम से और उसका परिवार भी बहुत खुश है। गांव में उत्सव मनाया जा रहा है। आखिर अघोरियों का कहर खत्म हुआ। इन सब के चेहरों पर मुस्कान तू लेकर आई है सिद्धि। तेरे ही कर्म है जो तुझे हमारे विवेक तक ले पहुंचेंगे। लेकिन दादी, मैंने ये सब किया कैसे? दादी, मेरे हाथ से ये खंजर भी छूट गया था और मैं एक मंत्र बोले जा रही थी जो मंत्र मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़े थे दादी, और वो मंत्र मैं बस बोले जा रही थी और मेरे चारों तरफ आग लगी हुई थी और वो आग उन अघोरियों की तरफ गई और वो जलते चले गए अपनी ही आग में। कैसे दादी? क्योंकि शक्ति भी तेरे अंदर दबी हुई थी जो अब तेरे विवेक को ढूंढने में मदद करेगी। पहली बार मैंने विवेक को साफ साफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस डायन से भाग रहे हैं और वो डायन बहुत गुस्से में लग रही थी, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन सी जगह है। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा दादी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।